के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद एक बार फिर सुर्खियों में। सुर्खियों की वजह है उनका राजनीति से संन्यास लेने का संकेत देना। एक कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद ने जो कहा उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कभी भी राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। आजाद ने कहा कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक से किसी दिन आपको पता चले कि मैं संन्यास ले चुका हूं और समाज सेवा करने लगा हूं। हमको समाज में बदलाव लाना है। इसके आगे उन्होंने कहा कि पार्टी में प्रेसिडेंट की जगह खाली नहीं है, जब चुनाव होगा तो नेता तय करेंगे कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। कल तक बागी और तल्ख तेवर रखने वाले आजाद अब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आगे घुटने टेकते दिख रहे हैं। उनके बयान से साफ है कि जब तक कांग्रेस आला कमान चाहेंगी वो राजनीति करेंगे। दरअसल अभी तक आजाद अपने तेवरों से पार्टी की चिंता बढ़ा रहे थे। कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व को चुनौती देने वाले जिस G23 का गठन हुआ है उसका नेता आजाद को ही माना जाता है।